हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज मैं आपको रिव्यू नहीं बल्कि शैम्पूस के बारे में बताऊंगी, बेस्ट शैम्पूस के बारे में, कि बेस्ट शैम्पूस जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। व्यूवर्स, दिस इज़ जॉनसन्स बेबी शैम्पू। इसके बारे में मेरा जो रिव्यू है वो एक सेपरेट वीडियो में मौजूद है, वो चैनल में आप देख सकते हैं। इधर तो मैं आपको बेस्ट शैम्पूस के बारे में बता रही हूँ कि ये जिसके पतले बाल हैं और जिनको डेली यूज़ के लिए शैम्पू चाहिए होता है, ये दिस इज़ बेस्ट फॉर डेली यूज़ शैम्पू। और जो इनको दूसरा ये कि जिन्होंने हेयर डाई किया होता है, तो हेयर डाई जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो हेयर डाई रिमूव हो जाता है, तो उसके लिए शैम्पू बेस्ट है। क्योंकि ये देखें, इस पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जी देखें, नो पैराबेंस, नो डाइज, नो अल्कोहल। ठीक है, इसमें नो पैराबेंस हैं, ये के पैराबेन फ्री शैम्पू है ये, और नो अल्कोहल है, और अल्कोहल भी नहीं है, और नो डाइज भी नहीं उतरता इससे। तो व्यूवर्स, आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकती हैं। ये आपको पता है कि ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे इससे, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, बल्कि इससे आपके अगर जो हेयर फॉल है वो हेयर फॉल कंट्रोल करता है, ये है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और ये 750 ml है और ये काफ़ी बिग बॉटल है, दिस इज़ 1000 rupees बॉटल, और ये क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बॉटल है और ये आपकी काफ़ी महीने निकाल देती है। तो जिनके बाल पतले हैं, कम हैं, या हेयर प्लांटेशन हुई हुई है, या मतलब गंजापन है, या मतलब उनको वो शैम्पू यूज़ करते हुए डरते हैं कि हम शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे, शैम्पू यूज़ करेंगे तो हमारे हमें नुकसान होगा, तो इस वजह से ये उनके लिए बेस्ट शैम्पू है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड। सो व्यूवर्स, ये जो शैम्पू है सनसिल्क, ये देखिए सनसिल्क, जो पिंक वाला सनसिल्क है, एक होता है थिक एंड लॉन्ग। सो व्यूवर्स, दिस इज स्मूथ एंड मैनेजेबल सनसिल्क शैम्पू। व्यूवर्स, ये वो शैम्पू है, ये एक्चुअली मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। इसका रिव्यू जो है मेरी वीडियोज़ में मौजूद है, सेपरेट रिव्यू, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी सिर्फ आउटलाइन बताऊँगी कि ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, इसका रिज़ल्ट से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और ये थिक एंड लॉन्ग में मैंने यूज़ किया हुआ है, और मैनेजेबल में भी मुझे बहुत कम मिलता था, जब मिलता था तो मैं फ़ौरन बाय कर लेती थी। ये देखें, ये मैनेजेबल में है, ये देखें मैनेजेबल में है। तो ना इसका ये काम है कि जब हम हेयर वॉश करते हैं ना, तो जो जिनके मतलब कर्ली हेयर्स हैं ना, उनके लिए बेस्ट शैम्पू है, क्योंकि कर्ली हेयर मैनेज नहीं होते और फ्रिजी हो जाते हैं, तो ये जो कर्ली हेयर्स हैं जिनके, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो फ्रिज फ्री हेयर्स हो जाएंगे, और फ्रिज फ्री हेयर होंगे और स्मूथ होंगे, मैनेजेबल होंगे। और व्यूवर, इसके अंदर ना ये देखें, आर्गन ऑयल, एलास्टिन एंड विटामिन सी, यहाँ पे देखें जरा, आर्गन ऑयल जो है नोन टू मेक हेयर स्मूथ, ठीक है, हेयर्स को स्मूथ करने के लिए होता है। और लास्टिन जो होता है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, लास्टिन जो होता है, कहाँ गया, ये नोन फॉर इट्स हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है। और ये जो है विटामिन सी जो होता है, नोन टू हेल्प फाइट फ्रिज एंड कीप हेयर मैनेजेबल, ठीक है। तीनों बातें मैंने आपको सेपरेटली बता दी हैं कि ये किस क्या क्या काम करते हैं। आर्गन ऑयल जिस शैम्पू में भी होगा वो शैम्पू बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और इसमें है तो ये, और ये सुपर मिक्स के साथ आता है, एक्टिव फ्यूजन है, ये देखें एक्टिव फ्यूजन लिखा हुआ है, एक्टिव फ्यूजन है। और सनसिल्क ब्रांड बहुत अच्छी है, और पिंक वाला तो उसका फेमस शैम्पू है, थिक एंड लॉन्ग हो या मैनेजेबल हो, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि जहाँ पर आपको थिक एंड लॉन्ग भी मिल रहा हो, मैनेजेबल भी मिल रहा हो, तो यू हैव टू चूज़ स्मूथ एंड मैनेजेबल वाला। तो अगर नहीं है तो थिक एंड लॉन्ग का भी कोई इशू नहीं है, वो आपके 2 times थिकर हेयर कर देता है, तो वो आपके लिए है, अच्छा है। सो व्यूवर्स, मैं पहले ये पिंक वाला ही यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने ना
ये ग्रीन वाला भी मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। ये सनसिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी शैम्पू है, और ये देखें इसकी ख़ास बात है कि ये विद बायोटिन मिल्क प्रोटीन एंड एलोवेरा आमंड ऑयल, कितना कुछ है इसके अंदर ये देखें। क्योंकि ये ना बायोटिन जो है ना, इसके अंदर विद बायोटिन है। बायोटिन हमारे बालों में ना वैसे हमारे बनती नहीं है हमारे बालों में, तो वो हमें लेनी पड़ती है किसी चीज़ से। जैसे कि हम नट्स खाते हैं, अखरोट बादाम वगैरह, ये तो सब ये जितने भी नट्स हैं ये तो ये हमारे लिए बायोटिन का काम करते हैं, तो हमें ये खाने पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है कितने एक्सपेंसिव होते हैं, जो लोग खा लेते हैं तो खा लेते हैं, जो नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। तो ये बायोटिन हमें लेनी पड़ती है, तो इसका बड़ा ईजी सोर्स है। शैम्पू के अंदर आपको बायोटिन मिल जाएगी, तो आपको साथ साथ इसका फ़ायदा होता रहेगा। और मिल्क प्रोटीन भी है इसके अंदर एंड एलोवेरा शैम्पू जितने होते हैं आपको पता है वो अच्छे होते हैं, और इसके अंदर आमंड ऑयल भी है। अब आमंड ऑयल हेयर्स के लिए कितना अच्छा होता है ये आपको सबको पता है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ बायोटिन, ये देखिए बायोटिन नोन टू हेल्प सपोर्ट नेचुरल हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए बायोटिन होती है, और नोन टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर हेल्दी हेयर। जब हमारा हेल्दी हेयर हो जाते हैं तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है मिल्क प्रोटीन, क्योंकि मिल्क प्रोटीन मॉइस्चर के लिए होता है किसी भी शैम्पू में। और ये एलोवेरा प्लस आमंड ऑयल जो है नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टीज़। आपको पता है जब हमारा हेयर फॉल होता है तो हम अगर एलोवेरा की शाख तोड़ के उसको लगाएं तो हमारा हेयर फॉल वैसे ही रुक जाता है, ठीक है। और जब हम बाल स्ट्रेट करते हैं तब हमारा हेयर फॉल होता है, और अगर हम ये एलोवेरा यूज़ करते रहें तो हम बेफिक्र होकर अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जो होता है हमारा हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। तो आमंड ऑयल भी यही काम करता है, जब हमारे बाल मजबूत होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे तो मतलब फिर वो हमारे बाल लंबे होंगे, क्योंकि अगर वो नाजुक होंगे तो वो टूटेंगे और फिर वो बाल लंबे नहीं होंगे। तो अगर हमारे बालों में ये एलोवेरा और आमंड ऑयल जैसी अच्छी चीज़ें हम यूज़ करेंगे शैम्पू में तो हमारे बाल अच्छे होंगे, और जब अच्छी जब दोनों चीज़ें होंगी तो फिर लॉन्ग एंड हेल्दी शैम्पू होगा और लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर्स होंगे। और सुपर मिक्स इसके अंदर है, इसके अंदर एक्टिव इन्फ्यूजन है और इसके अंदर है सुपर मिक्स। और गाइस ये जो है ना सनसिल्क का जो है लॉन्ग एंड है वो जो हेल्दी वाला शैम्पू है उसके साथ सुपर मिक्स में आता है। सो व्यूअर्स ये तीनों शैम्पू बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और तीनों शैम्पू टोटल रिकमेंडेड हैं, बेस्ट शैम्पूज हैं, और ये तीनों यूज़ करते हैं, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये मेरी बेटी और मेरा बेटा और मतलब तीनों मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से ये मैं ये पिंक वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये मुझे ग्रीन वाला ज़रा ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने अपने बाल लंबे करने हैं तो मुझे मेरे बाल लंबे हो भी गए हैं तो मुझे इसलिए शैम्पू अच्छा, और मुझे एलोवेरा की वजह से भी पसंद है, क्योंकि एलोवेरा ज़रा सर्दियों में लगानी मुश्किल हो जाती है, ठंडी होती है तो सर पर लगानी मुश्किल लगती है, तो इस सर्दियों में मैं ये लेके आई हूँ ताकि ये एलोवेरा जेल मुझे शैम्पू में मिल जाए और आमंड ऑयल भी मुझे शैम्पू में मिल जाए, और बायोटिन तो है ही, तो ये तीनों उसके प्लस पॉइंट हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं शैम्पू। आप इन तीनों में से जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, ये पतले बालों के लिए, ये कर्ली बालों के लिए, और ये आप अगर लॉन्ग बाल चाहते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी बाल चाहते हैं तो ये उसके लिए। सो व्यूअर्स तीनों रिकमेंडेड हैं, तीनों बहुत अच्छे शैम्पू हैं, और सनसिल्क ब्रांड बहुत अच्छी है और जॉनसन्स वैसे बहुत अच्छा है। तो सो व्यूअर्स यहाँ पे रिव्यू ख़त्म होता है, वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी और ये शैम्पूज भी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, और मे बी आपका शैम्पू ज़्यादा अच्छा हो तो मैं भी स्विच कर सकूँ उस शैम्पू पे। अगर आपका शैम्पू अगर आपको इसमें से कोई पसंद है शैम्पू तो आप इस शैम्पू पे स्विच कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।